बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। सबसे पहले हम आपको बताते चलें, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट। सबसे पहले हमने क्या लेना है, पैन के अंदर आलू डाल देने हैं। आलू का पानी जो है वो खुश कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फिर ये नीचे लगना शुरू हो जाएंगे। फिर हमने इसके अंदर घी डाल देना है। घी डालने के बाद एक से दो मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। ताकि इसका पानी जो है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। और जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो इधर हमने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं। प्याज को हमने ब्रिक ब्रिक कट कर लिया था। और अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं और आपको क्या ज़्यादा पसंद है। आपको ब्रेकफास्ट में खाना ज़्यादातर क्या पसंद है, आलू वाला पराठा, अंडा पराठा, क्या? और जी, फिर हमने इसके अंदर जो है वो डाल दिया है लाल मिर्च और ज़ीरा। और इधर हम इसके अंदर साथ ही डाल देंगे नमक। बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है। कोई खास इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होते। और जी, फिर हमने इसको थोड़ी देर पका लिया। पकाने के बाद अभी हमने इस तरीके से इसको पूरे पैन के अंदर जो है स्प्रेड कर देना है। फिर हमने इसके अंदर अंडे डालने हैं। कोशिश करनी है कि अंडे की जो जर्दी है वो टूटे ना। इधर एक ही टूट गई थी तो कोई बात नहीं, बाकी हम डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से चार अंडे हम इसके अंदर डालेंगे। और इनको ज़्यादा नीचे भी नहीं जाने देना। इसी तरीके से हम इधर भी एक डाल देंगे। और जी ये देखें, और ये आप देख सकते हैं साइड से जो है वो भी पकना शुरू हो चुका है। अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो डालेंगे। काली मिर्च डालने के बाद अभी हम इसके अंदर दड़ा मिर्च जो है वो डालेंगे। ध्यान से मिर्ची डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी ऐड की थी। पहले हमने पाउडर दूसरा वैसे ही काली मिर्च का ऐड किया था और ये हमने दड़ा मिर्च जो है वो ऐड कर दी। फिर हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक भी हमने पहले ऐड किया था तो इसलिए हम नमक जो है वो भी कम डालेंगे। आप हसबे साई का चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रेसिपी और ज़्यादा मज़ीद मज़ेदार बनेगी। सो जी, इधर हम इसे ढककर पका लेते हैं। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकने के बाद हमने इसका ढक्कन उठा दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके ऊपर पुदीना जो है वो लगा देंगे। सिर्फ जर्दी के ऊपर लगाएंगे, पूरे पैन के ऊपर नहीं स्प्रेड करेंगे। और जी, आप इसकी लुक अभी से देख सकते हैं। कोई मज़ेदार किस्म की इसकी लुक आ रही है। लेकिन अभी हम इसे फिर से ढककर पका लेंगे। और जी, ये तकरीबन 5 मिनट बाद हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं। और अभी जो है हम इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देते हैं।
सो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जी इस तरीके से हम एक पीस जो है वो कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम रख देंगे दूसरे वाले के ऊपर। और जी इससे इसकी लुक और भी ज़्यादा मज़ेदार सी बन जाएगी। ये आप चाहें ब्रेकफास्ट में खाएं या दोपहर में भी खा सकते हैं, लेकिन ये अगर आप ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो आपके ब्रेकफास्ट का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।